ये क्वेश्चन देखो, तो दोनों साइडों में लॉग लें क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया ना, तो डेरिवेटिव करने के लिए क्या किया जाए, दोनों साइडों में लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर तो हो गया लॉग वाई, इधर लॉग लॉग एक्स की पावर, लॉग एक्स ये वाला जो लॉग एक्स है ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां आ जाएगा तो इसको ऐसे लिख दिया लॉग एक्स इंटू में लॉग लॉग, इधर हो गया लॉग कौन कह रहा है, वॉइस कट के आ रही है क्या, आवाज कट रही है सभी, बताइए सबको आवाज सही आ रही है क्या। कपिल के पास तो हमेशा क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है। तो फिर मनमोहन बेटा तेरे नेटवर्क में ही दिक्कत है कुछ, औरों को सबको सही आ रही क्योंकि सब बोल रहे हैं। हाँ कपिल कह रहा है कि मनमोहन का नेट स्लो है। माइक पास कर लूं, वॉइस कम आ रही है। अरे यार देख इधर, ये रहा माइक का, दिख रहा है अब। अब मैं इसको ऐसे तो करके पढ़ाऊंगा नहीं है, बस ये बस यहीं पे है, बस होडी के पास ही है। ले तू खुश रह भाई, ऐसे करके पढ़ा देते हैं बस। देखो अब डिफरेंशिएशन करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, दोनों साइडों में। तो इधर तो लॉग वाई का करेंगे तो पहले लॉग का होगा वन अपॉन वाई, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इस साइड में देखो एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन, दोनों फंक्शन किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो किसका यूज होगा, प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाऊं मैं तो देखो मैंने पहले लिख दिया लॉग एक्स इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स, यानी क्वोशेंट रूल लिख दिया है, बस अप्लाई करके लिख दिया, अभी यूज नहीं किया पूरा उसका, लॉग लॉग एक्स फिर डी बाई डी एक्स ऑफ। तो इधर से तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये लॉग एक्स अब इनटू, देखो अब डेरिवेटिव करें इस वाले लॉग का किया तो वन बाय लॉग एक्स, फिर अंदर वाले लॉग एक्स का करेंगे तो वन बाय एक्स, फिर प्लस में लॉग लॉग एक्स लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव किया तो वन बाय एक्स। अब इस लॉग एक्स ने इस लॉग एक्स को कैंसिल कर दिया, वाई की वैल्यू वापस पुट करें, वाई की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, यहां पर क्या बन गया वन बाय एक्स प्लस में लॉग लॉग एक्स, और इधर भी वन बाय एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स तो वन प्लस लॉग लॉग एक्स, और इस पूरे के डिवाइड में ये हमारा आंसर हो। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई चीज समझ नहीं आई हो, क्लियर है सभी को, क्लियर है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके okay।
चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आठवा, y इक्वल टू कोस, फिर a कोस x प्लस में b साइन। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी a और b तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव निकालो इसका। किसमें? हाँ एनडीए में ही पूछते हैं ऐसे, पेपर उठा के देख लेना, फंक्शन की पावर, फंक्शन का डेरिवेटिव तो एनडीए में भी आता है। देखो यहाँ सिंपल डेरिवेटिव करें, dy बाय dx, तो कोस का तो हो गया माइनस का साइन, कपिल उसके लिए तो यार वो जब कहेंगे तब ले लेंगे, उसके लिए तो आप उनसे बात कर दो, क्या नाम है सांगवान सर से, माइनस का साइन है कोस एक्स प्लस बी साइन, फिर इनटू में माइनस का ए साइन एक्स प्लस में बी कोस। देखो पहले इस कोस का किया, कोस का माइनस का साइन ये वाला एज इट इज आ गया, फिर इनटू में इस अंदर वाले फंक्शन का किया, अंदर वाला फंक्शन कौन है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, देखो ये तो अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट है वो भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इस पूरे की पावर वो भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऐसे है, ये तो आप खुद करना, दोनों साइडों में लोग ले लोगे, लोग लेके आराम से खुद कर सकते हो। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने इसको अज्यूम कर लिया वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, फिर एक्स की पावर ए, फिर ए की पावर एक्स, फिर ए की पावर ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या लोग ले सकते हैं, इसमें लोग नहीं ले सकते डायरेक्ट, तो इसको हम ये अज्यूम कर लेंगे लेट वाई इक्वल टू यू प्लस बी प्लस डब्लू प्लस जेड, ठीक है ये अज्यूम कर लेंगे। अब इसमें डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी यू बाई डी एक्स, फिर डी वी बाई डी एक्स, फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर डी जेड बाय, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन। अब इन सब की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। यू क्या था, यू था एक्स की पावर एक्स, तो इसमें लोग लेते हैं लिखा टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में लोग ले लें, इधर तो हो गया लॉग फिर यू, इधर हो गया लॉग फिर एक्स की पावर, अब ये वाला जो एक्स है ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर एक्स, ठीक है इधर लॉग यू, तो डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का वन बाई यू, फिर यू का डी यू बाई डी एक्स, इधर एक्स log x का 1 by x, फिर log x as it is, x का कर दिया वो बंद हो, देखो du by dx equal to
यू एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 1 प्लस लोग एक्स, यू की वैल्यू वापस पुट करूंगा, एक्स की पावर एक्स तो 1 प्लस लोग एक्स, ये आ गया मेरे पास यू बाय। अब निकालते हैं डीवी बाय डीएक्स, तो वी देखो वी क्या था, वी था एक्स की पावर है, इसका तो लॉग लेने की जरूरत नहीं, फंक्शन की पावर कांस्टेंट है यानी एक्स की पावर एन का यूज होगा, तो डीवी बाय डीएक्स क्या हो गया, ए इंटू में एक्स की पावर ए माइनस वन। फिर ऐसे ही डब्ल्यू क्या है, ए की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालें डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ये तो फॉर्मूला ही है ए की एक्स का ए की पावर एक्स लोगे। फिर जेड है ए की पावर है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड बाय डी ए कितना हो गया जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट की पावर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही होती है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा मेरे को, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लोग एक्स, फिर प्लस में ए की पावर एक्स, तो पहले आएगा एक्स की पावर ए वाला, ए एक्स की पावर ए माइनस वन, फिर प्लस में ए की पावर एक्स लोग ए प्लस जी, ये आंसर हो जाए। क्लियर है भाई सभी को, समझ में आ गया ना, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एनडीए वाले कितने स्टूडेंट हाथ खड़े करना, कपिल वाइंदर हर्ष मनमोहन मंदिर, उसके बाद अंकित, बस साथ एक और आया कौन है, विक्रम काद्यान, विक्रम काद्यान कौन है अभी, योगेश नाम है क्या, तो अरे तो दोनों भाई तो है लेकिन क्लास में कौन पढ़ता है, योगेश या विक्रम, या दोनों ही पढ़ते हैं अपनी क्लास में, एनसीटू से आया, सर ठीक है, उसका नाम तो योगेश था ना जो एनसीटू से आया, एक का नाम योगेश और एक का नाम विक्रम है जो एनडीए में आए एनसीटू से, दोनों भाई हैं, और अरे तो फिर तुम विक्रम और योगेश क्लास से रेगुलर क्यों नहीं लेते भी? मंदीप मैंने तो उनको कहा था, वो कह रहे थे करेंगे, अगर अलग से क्लास हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, आप लोग पूछ लो सर से, अगर वो कहेंगे तो ले लेंगे अलग से, अभी तो उन्होंने कंबाइंड ही लेने का, और कंबाइंड में ऐसे करा रहे हैं कि पहले एनसीईआरटी का करा देंगे, उसके बाद फिर जो उसके बाद उसी चैप्टर को जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो करा दें, तो फिर दोनों चीजें कवर हो जाएगी ऐसे करके। चलो ठीक है,
अब आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करोगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। 11 एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3, फिर प्लस में एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वेयर, ऐसे। तो इसको यू प्लस वी मान लेना है, जो अभी अभी किया था। एक बार इसमें इसको यू को अलग से लिखेंगे, लोग लेंगे, फिर डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। सेम इसको वी को अलग से लिखेंगे, dv by dx निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आप खुद करोगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। एक बार dx by dt निकालेंगे, एक बार dy by dt निकालेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी, 13 भी आप खुद ही करना है, 14 क्वेश्चन करा रहा हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए आपके करने के लिए? कहाँ से शुरू किए थे? एक तो 9th क्वेश्चन करना है खुद, 9, फिर 11, फिर 12, फिर 13। कितने क्वेश्चन आप खुद करो? अब मैं करा रहा हूँ 14। 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और 14 क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा जा चुका है। कहा है कि ये जीरो है, तो ये प्रूव करो dy by dx की वैल्यू -1/(1+x)² ये आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में भी कई बार पूछा गया। देखो इसमें डायरेक्ट अगर आप ये सोचोगे ना, जैसे किसी के दिमाग में ये आया कि चलो सीधा डेरिवेटिव करते हैं, तो ऐसा होगा। देखो इसको लिखना नहीं है, जो अगर कोई साथ साथ नोट्स बना रहा हो तो लिखना मत इसको, मैं बता रहा हूँ गलती होगी क्या ऐसे करने से। कि x का कर दिया 1, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, फिर प्लस इस बार x ऐसे कैसे, इसका करेंगे तो 1/(√(1+y), फिर dy by dx, फिर प्लस में इसका करेंगे तो y ऐसे कैसा, इसका 1/(√(1+x), फिर x का 1, फिर प्लस में √(1+x), फिर dy by dx इक्वल टू। अब यहां से इन दोनों में dy by dx कॉमन लेंगे, यानी अगर आप ऐसे सोल्व करोगे ना, तो ऐसे तो पावर स्क्वायर रूट की रहेगी, और जो आपको प्रूफ करना है ना वो कभी नहीं बनेगा, वो नहीं बन पाएगा कभी नहीं, तो मैं नहीं बोलूंगा बन तो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी हमें कन्वर्ट करने में, और लेंथ भी हो जाएगा बहुत। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, किसी दा डेरिवेटिव करने बैठ जाओ कि चलो मैं तो प्रूव कर दूंगा ऐसे कर कुरा के, ठीक है। तो पहले ये जो पावर है ना स्क्वेयर रूट वाली पावर, इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उसमें स्क्वेयर रूट नहीं है। देखो आप ध्यान से, हाँ पहले पावर 1/2 करेंगे, पावर स्क्वेयर रूट को हटाना है, ठीक है, 1/2। क्या पूछ रहा है? इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी मैंने केवल एनसीईआरटी कराई है। अब मैं एनसीईआरटी के कंप्लीट होने के बाद अब मैं वो सारा पार्ट कराऊंगा जो मतलब एनडीए के में पूछा जाता है, जेई में पूछा जाता है, वो सारा का सारा, ठीक है। उसमें इनफाइनाइट वाली सीरीज भी उसी में ही आती है। वैसे NC1 को पिछले साल करा दिया था इनफाइनाइट वाला डेरिवेटिव, याद है NC1 वाले स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन कराए थे, log x, फिर रूट में log x, फिर रूट में log x, ऐसे करके इनफाइनाइट तक के, कि इनफाइनाइट तक है तो dy by dx निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने NC1 को करा दिए थे 11th क्लास। हाँ तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, JEE वगैरह में, NDA में, तो ये सब मैं अब कराऊंगा अभी, एक बार NCERT पूरी करा दूं उसके बाद फिर मैं ये सब चीजें करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब हाँ मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था कि हमें स्क्वेयर रूट को हटाना पड़ेगा। स्क्वेयर रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको इधर ले आया मैं एक किसी भी टर्म को, जैसे इसको इधर ले आया, अब क्या कर दें दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर तो हो गया एक्स स्क्वेयर, इधर 1+y, इधर वाई स्क्वेयर, इधर 1+x, यहाँ लिख दिया स्क्वायर,
है ना, ऑन बोथ साइड्स। तो इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, इधर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ कुछ गड़बड़ आ गई, सिमेट्रिक टर्म आनी चाहिए, यहाँ एक्स था, देयर ऑल्सो एक्स, यहाँ एक्स था ना, ये एक्स, तो एक्स फिर वाई स्क्वायर। अब देखो इस सारे को इधर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। देखो इस टर्म को इधर ले आए तो माइनस की होगी, फिर ये वाली टर्म इस साइड में आई तो ये इधर माइनस की, इन दो के फैक्टर x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो एक्स वाई कॉमन, हाँ सती देख लिया मैंने, कर दिया सही, ठीक है। अब आप देखिए पूरे दोनों एक्सप्रेशन में x माइनस वाई कॉमन, क्या बचा x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके जीरो आ रहे हैं, इट मींस उनमें से एटलीस्ट कोई एक एक्सप्रेशन जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो, ठीक है। इसको जीरो होने का मतलब x इक्वल टू वाई, इसको जीरो होने का मतलब y की वैल्यू, सॉरी x प्लस में y कॉमन ले लिया मैंने तो 1 प्लस x इक्वल टू, ठीक है। तो एक तो बन गया y इक्वल टू x और एक बन गया y इक्वल टू माइनस का x और अपॉन में 1 प्लस x, एक y ही आया। इससे तो dy by dx क्या आएगा, इससे तो 1 आएगा, लेकिन जो प्रूव करना है वो कितना है, देखो वो 1 नहीं है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसमें लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दुखी करके रख दिया। चलो डिफरेंशिएशन आपके लिए नहीं किया था, कहीं आप सोचो आप ये इतने सारे मैसेज आते रहते हैं पूछो ही मत। देखो इधर तो हो गया dy by dx, इधर quotient rule अप्लाई होगा, 1 plus x का होल स्क्वायर, फिर 1 plus x, फिर dy dx ऑफ माइनस का एक्स, फिर माइनस माइनस एक्स एज इट इज, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स, फिर वन प्लस एक्स, फिर माइनस वन हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर माइनस माइनस प्लस का एक्स, वन प्लस एक्स का वन का जीरो, एक्स का वन, नीचे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये बन गया माइनस वन माइनस एक्स और प्लस में x अपॉन में 1 प्लस x, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो dy by dx आ गया माइनस 1 by 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इट इज dy by dx। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, आवाज कट रही है, क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17, उसके बाद 23, और एक 10, एंड इसमें मिसलेनियस में ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो
एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 14, 16, 17 और 23। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो अपने को और कुछ आए ना आए, ये सारे कितने हैं, 1, 2, 3, 5 क्वेश्चन है, तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आने जरूरी है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर ये 5 क्वेश्चन आते हैं हमें तो फिर हमारी बल्ले बल्ले है, और इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। पांच नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें डेरिवेटिव। हालांकि मैं करा दूंगा, 10वां करा ही दिया मैंने, 14 भी करा दिया, ये करा दूंगा मैं, 16, 17, 23 भी, ये भी क्यों करा दूंगा, लेकिन इनको अच्छी तरह समझना है और एक एक बार खुद करके देखना है, बिना देखे, ऐसा नहीं देख के वैसा का ऐसा लिख दो, कोशिश करो एक बार बिना देखे खुद उनको करने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही है, अब कल मिलेंगे। सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन बता दो, कौन सा क्वेश्चन है फोर्थ? यंशु कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है? अरे तो तेरे से ये भी नहीं आया, बेवकूफ। देख इधर, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/√(1 − x²). एक्स की जगह कितना है? x√(√x) इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये x√(x) का मतलब क्या है? x और x की पावर 1/2, तो कितना हो गया? x की पावर 3/2 हो गया। 3/2 का क्या होगा? 3/2 x की पावर 3/2 − 1। बस इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो 1/√(1 − ये x² और ये x, तो 1 − x³। इधर 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 − 1 कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू में x की पावर 1/2, यानी 3√(x) डिवाइड में 2√(1 − x³, ये आंसर हो जाएगा। अब क्लियर है? आ गया समझ में? ओके, चलो अब कल मिलेंगे।